तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेंड मेल टू यूजर विद देयर डिटेल्स एंड पासवर्ड। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट यूजर एपीआई क्रिएट की थी जिसमें हमें मेल सेंड करना रह गया था। तो आज हम मेल सेंड करेंगे यूजर को, जैसे वो क्रिएट करता है। बेसिकली कोई भी यूजर जो है, एक यूजर क्रिएट कर रहा है, चाहे वो एडमिन हो चाहे सब एडमिन हो, तो उसी टाइम पर उसी यूजर की डिटेल्स जो हैं उसी यूजर पर चली जानी चाहिए जिसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, विद पासवर्ड के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों का डाउट होता है कि गूगल एसएमटीपी क्रेडेंशियल्स क्या होती हैं, एसएमटीपी क्रेडेंशियल्स क्या होती हैं, उन्हीं का यूज़ करके हम बेसिकली मेल सेंड करते हैं। और अगर आपको आइडिया नहीं है गूगल एसएमटीपी क्रेडेंशियल्स कैसे क्रिएट करना है, तो आप चैनल पर सर्च कर सकते हो, लाइक गूगल एसएमटीपी, तो आपको लेक्चर दिख जाएगा, जा करके आप देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, जो भी हमारी गूगल की एसएमटीपी क्रेडेंशियल्स होंगी वो हमें ईएनवी फाइल के अंदर रखनी होंगी। जैसे लाइक हमें क्या क्या रखना होगा, लाइक एसएमटीपी मेल क्या होगी, जो भी आपकी मेल होगी एसएमटीपी, लाइक जिससे भी आपने ऑब्वियसली क्रेडेंशियल्स क्रिएट किए गूगल एसएमटीपी के, तो वो आपकी मेल आ गई समथिंग। जैसे लाइक मैं अभी यहाँ पर जो है मेरी मेल है जिस पर आप मेल कर सकते हो मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आपको, लाइक sandeepdeveloperkontakt@gmail.com। तो मेरी इसी से क्रिएट हुई है इसलिए एसएमटीपी, तो जस्ट मैं यहाँ पर जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया। देन मेरे को जो नेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा अपना एसएमटीपी का पासवर्ड। नॉर्मल पासवर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो आपका गूगल अकाउंट का पासवर्ड है वो यूज़ नहीं होगा। गूगल एसएमटीपी क्रिएट करोगे तभी आपको एक पासवर्ड मिलता है, उसी को आप बेसिकली यहाँ पर डालोगे। तो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ के रीज़न से, मैं अभी थोड़ा वीडियो को पॉज करूंगा तब डालूंगा। देन यहाँ पर चाहिए होगा आपको एसएमटीपी का बेसिकली होस्ट। होस्ट क्या चाहिए होगा, जैसे गूगल का जो है होस्ट क्या होता है, वो होता है आपका एसएमटीपी, smtp.gmail.com। सभी का अपना अपना होता है, जिस सर्वर से आप एसएमटीपी क्रिएट कर रहे हो उनका सभी का होस्ट अलग होता है, एंड पोर्ट भी होता है इनका। तो एसएमटीपी पोर्ट, यहाँ पर मैं गूगल का पोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो गूगल की एसएमटीपी का होता है वो होता है डिफॉल्ट, जो कि 587 करके। तो यहाँ पर ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। एंड मैं बेसिकली क्या करता हूँ, चलिए मेरे को, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ, देन मैं अगेन आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है ईएनवी के अंदर अपने क्रेडेंशियल्स डाल लिए हैं। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, जो कि आपको पता है कि हमने यूज़र कंट्रोलर में हम जाते हैं, थोड़ा जूम आउट कर दूँ यहाँ से। तो हम क्रिएट यूज़र की अगर बात करें तो ये हमारा बेसिकली क्रिएट यूज़र मेथड चल ही रहा था जिसमें हम यूज़र क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पर जब हमने रेस्पॉन्स सेंड किया था, लाइक यहाँ से, जो कि 57 नंबर लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, तो अब मैं क्या करूँगा, इससे पहले रेस्पॉन्स सेंड होने से पहले ही मेल चली जाए यूज़र को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्पर के अंदर आ जाते हैं। हेल्पर में हम क्या करते हैं, एक कॉमन मेथड बनाएंगे, मीन्स एक मॉड्यूल है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बना सकते हो मेल सेंड करने के लिए, बट एक हम कॉमन मेथड बनाएंगे जो कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, mailer.js करके, और इसमें हम बेसिकली नॉर्मल रखेंगे कोड, एंड कॉमन कोड होगा। यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और टर्मिनल में बेसिकली मेरे को एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा नोड मेलर करके। नोड मेलर यूज़ ही इसी के लिए होता है मेल सेंड करने के लिए। तो npm इंस्टॉल नोड मेलर, ये मेरा बेसिकली पैकेज है जिसको मेरे को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो ये बेसिकली इंस्टॉल होगा, थोड़ा नेट भी आज स्लो है इसलिए। तो चलिए अब तक हाँ हो चुका है इंस्टॉल। एंड यहाँ पर मैं जो है अपना नोडमोन स्टार्ट कर देता हूँ, अगेन नोडमोन इंडेक्स। तो ये मेरा जो है नोडमोन यहाँ पर नीचे जो है स्टार्ट हो जाएगा। हम बाद में टर्मिनल पर जो है आउटपुट देखेंगे कि क्या हमें बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हमें कोड करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नोड मॉलर लेकर के आना पड़ेगा, मीन्स रिक्वायर करना होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर रिक्वायर नोड मेलर। तो नोड मेलर हमें मिल चुका है पैकेज, एंड यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, लाइक नोड मेलर करके ही बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, नॉर्मली मैं नोड मेलर ही बनाता हूँ। एंड अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी जो नोड मेलर का हमें बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो है बेसिकली हमें सेटअप करना होगा, लाइक उसमें ऑथ प्रोवाइड करना होगा। तो हम नोड मेलर यूज़ करेंगे, लाइक नोड मेलर जो हमारा वेरिएबल है नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, तो आ चुका है। एंड यहाँ पर हमें बेसिकली इसमें अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने होंगे, जो भी हमारे एसएमटीपी के क्रेडेंशियल्स होते हैं।
तो सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे होस्ट अपना, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं process.env एंड आपका आ जाता है SMTP होस्ट करके, जो है obviously हमने की रखी हुई थी। एंड जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट आ जाता है आपका होस्ट पोर्ट, तो यहाँ पर ये बेसिकली आपका होगा की नेम इज पोर्ट, तो हमने पोर्ट भी प्रोवाइड कर दिया है। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका सिक्योर, सिक्योर बेसिकली ये आपका रहेगा यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि ये गूगल SMTP है इसलिए हम यहाँ पर इसको फॉल्स रखते हैं। एंड यहाँ पर आपका आएगा रिक्वायर TLS, रिक्वायर TLS, ये बेसिकली इसका ट्रू रहेगा क्योंकि ये गूगल SMTP के लिए रहता है ट्रू, बाकी SSL जिस पर इंस्टॉल होता है वहाँ पर ये फॉल्स रहता है, कभी कभी ये ट्रू भी करना पड़ता है। एंड अभी तो हम लोकली वर्क कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ऑथ प्रोवाइड करते हैं अपना ऑथ, तो ऑथ के अंदर आपका जाएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, मीन्स ईमेल एंड पासवर्ड। तो लाइक यूजर में हमने प्रोवाइड कर दिया लाइक process.env. एंड SMTP लाइक मेल हमने यहाँ पर दिया हुआ था मेल। एंड जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आ जाता है पास, पास यहाँ पर ओनली पास है नॉट पासवर्ड, तो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे SMTP पासवर्ड करके। तो ये बेसिकली हमें ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर लेना है जिसमें अपना होस्ट पोर्ट हो गया, सिक्योर रिक्वायर TLS, यहाँ पर डबल कॉमा नहीं आएगा तो मेरी इसे मिस्टेक हो गई है, होस्ट पोर्ट आएगा नॉट पोस्ट, तो यहाँ पर मैंने पोर्ट प्रोवाइड करना था, पोर्ट प्रोवाइड कर दिया। एंड सिक्योर फॉल्स रिक्वायर TLS, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक ट्रांसपोर्टर करके, तो ये हमने वेरिएबल बना लिया नॉर्मली, इसलिए हमने नोड मेलर को सेटअप कर लिया है नोड मेलर का। अब हमें एक मेथड क्रिएट कर लेना जो कि कॉमन मेथड रहेगा, लाइक मैंने बना लिया एक कॉमन मेथड का नेम, हम रख लेते हैं लाइक सेंड मेल करके। तो इसका काम क्या होगा, मेल सेंड करने का काम होगा असिंक। एंड सबसे पहले ये जो मेथड है वो आपके तीन आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, सॉरी पैरामीटर्स, लाइक फर्स्ट आपका ईमेल, ईमेल में क्या होगा जब जब आप इस मेथड को कॉल करोगे कि ईमेल प्रोवाइड करोगे, एंड सब्जेक्ट प्रोवाइड करोगे कि आप किस सब्जेक्ट के लिए ईमेल सेंड करो, जैसे हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट यूजर कर रहा है तो क्रिएट अकाउंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हम सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड कंटेंट, कंटेंट में आपका जो मैसेज रहेगा मेल के अंदर जो बॉडी मैसेज जाने वाला है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, तो ये हमारा बेसिकली फैक्टर मेथड रेडी हो चुका है। ट्राई कैच का हम यूज करके चलेंगे क्योंकि कभी भी कोई एक्सेप्शन आ सकती है इसके बीच में, एंड हमारे को अगर कोई एक्सेप्शन ना आती है तो हम कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं एरर डॉट मैसेज को, तो एरर डॉट मैसेज इस मेथड को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा जैसे कि हम कहीं यूज कर पाए इसे, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सेंड मेल। अब यहाँ पर हमें वर्किंग करनी है स्टार्ट, तो सबसे पहले हमें बनाने होंगे मेल ऑप्शंस, तो लाइक यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक मेल ऑप्शंस करके। ऑप्शंस में लाइक आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में आपके लाइक फ्रॉम हो गया, फ्रॉम में आप क्या प्रोवाइड करोगे, तो फ्रॉम में वो मेल होगी जो कि आपकी बेसिकली SMTP मेल है, तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये मैंने फ्रॉम में प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट जो इसमें होने वाला है टू, टू में क्या होगा कि किसको आप मेल सेंड करना चाह रहे हो, तो वो आपकी ये ईमेल आएगी, तो ये हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। देन आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, वो हमें सब्जेक्ट प्रोवाइड करना होगा, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमने यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका आ जाता है लाइक कंटेंट, लाइक हम HTML फॉर्मेट में जो है कंटेंट सेंड करेंगे अपने मेल में, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा HTML टू आपके जो कि टेस्ट में नॉर्मली, तो हम यहाँ पर HTML का यूज करेंगे। HTML में हम अपना कंटेंट जो भेजेंगे वो एज अ HTML फॉर्मेट में भेजेंगे, तो यहाँ से ये बेसिकली HTML में चला जाएगा, मीन्स कन्वर्ट होकर के ऑटोमेटिकली मेल पर चला जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है, एंड मेल ऑप्शंस आपके क्रिएट हो चुके हैं जिसमें आपका फ्रॉम टू सब्जेक्ट HTML हो गया। ट्रांसपोर्टर जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ था ऊपर देख पा रहे हो ये वाला जो वेरिएबल है, अब इसका यूज करने का काम आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, ये मेथड है। एंड देन इसमें हम अपना सबसे पहले मेल ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे मेल ऑप्शंस रहते हैं जो भी हमने क्रिएट किए हैं, एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कोई एरर तो नहीं आई, एंड कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको हम लाइक कुछ भी आप वेरिएबल बना सकते हो, यहाँ पर मैंने इन्फो करके रख लिया है।
एंड यहाँ पर आपका ये फैक्टर मेथड, तो ये हमारा बन चुका है। अब जब हमारी मेल सेंड हो जाती है या कुछ एरर आती है उसके लिए हम चेक्स लगा देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा अगर कोई एरर है देन हमें यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा दो, कुछ एरर मिलती है तो हमें एरर, वरना हम यहाँ पर क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग शो करा देते हैं इन्फॉर्मेशन जो आई है हमारे पास। लाइक हम लिख देते हैं यहाँ पर मेल हैज बीन सेंट, और यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहती है लाइक इन्फो डॉट मैसेज आईडी। इसके पास मैसेज आईडी हमें मिल जाएगा, जब भी मेल सेंड होती है तो हमें एक मैसेज आईडी मिलती है, तो वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिए कंसोल में। तो ये हमें कंसोल से पता चल जाएगा अगर ये प्रिंट हो गया तो सक्सेसफुली आपकी मेल चली गई। तो यहाँ पर हमें बेसिकली एरर प्रोवाइड करना था, यहाँ पर देख पा रहे हो एरर, एंड यहाँ पर भी एरर रहेगा, मैंने आर का मिस्टेक कर दिया था। तो ये हमारा कॉमन मेथड रेडी है। जस्ट मैं इसको क्या करता हूँ, यूजर कंट्रोलर में आता हूँ, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर रिक्वायर करना होगा अपना मॉड्यूल। तो रिक्वायर करते हैं हम अपना मॉड्यूल जो कि है हेल्पर मॉड्यूल लाइक डॉट डॉट स्लैश, एंड हम अपने हेल्पर्स में आए, हेल्पर्स में आपको मिल जाएगा मेलर। तो मेलर मिल चुका है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक मेलर करके, या आप एज अ ऑब्जेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्ट कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लिखिए आप सेंड मेल करके, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से वर्किंग कर रहे हो। देन अब आपको करना क्या है, इस मेथड का आपको यूज़ करना है नीचे। तो हमें यूज़ करना था बिफोर रिटर्न द रेस्पॉन्स, देन यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा मेथड है सेंड मेल, तो इसमें हमें अपनी मेल प्रोवाइड करनी है सबसे पहले, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर पैरामीटर लिया गया है तो ईमेल है यहाँ पर। देन हमें यहाँ पर सबसे पहले ईमेल प्रोवाइड करनी होगी, तो हमें यूज़र डेटा मिल रहा है जो कि हम सेंड भी कर रहे हैं यहाँ से, तो यूज़र डेटा डॉट ईमेल करके हमें यूज़र का ईमेल मिल गया। तो हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दिया है। सेकंड में हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमें क्या प्रोवाइड करना होगा, लाइक मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया कि अकाउंट क्रिएटेड या यूज़र अकाउंट क्रिएटेड ही बोलेंगे क्योंकि नॉर्मल तो हाँ अकाउंट ही बोल सकते हो आप, तो अकाउंट बोलो चाहे आप यूज़र क्रिएटेड बोलो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने अकाउंट क्रिएटेड बोल दिया है। देन यहाँ पर जो है हमें कंटेंट प्रोवाइड करना होगा जो कि HTML कंटेंट होगा, तो ये हमें डायनेमिक बनाना होगा। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए देखिए यहाँ पर जो है ये मैंने पासवर्ड कंसोल डॉट लॉग करा रखा है, ये बेसिकली नॉर्मल पासवर्ड था इसलिए इसी को हमें सेंड करना होगा अपने उसमें डिटेल्स में। तो हम एक प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स सेंड करेंगे लाइक कॉन्स्ट कंटेंट करके हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट कंटेंट इक्वल टू, मैं यहाँ पर टिल्डा का यूज करूंगा, तो आपको जो वन नंबर का बेसिकली सबसे टॉप पर टैब के ऊपर वन मिल रहा होगा, वन के साइड में टिल्डा मिल जाएगा, टिल्डा का आप यूज करें। टिल्डा बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है जैसे कि आप मल्टीपल लाइन में जो है आप वर्क कर पाओ, वरना अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल यूज करते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हो, तो आप एक ही लाइन में कोड कर पाओगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर टिल्डा यूज करना चाहिए। तो टिल्डा में हम मल्टीपल लाइन्स में स्ट्रिंग लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अपनी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में हमारा होगा लाइक हाय, यहाँ पर यूजर का नेम आ गया जो कि हम बोल्ड में रख सकते हैं, बोल्ड मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। अब बोल्ड टैग के अंदर मैं टिल्डा को बेसिकली स्टार्ट एंड ओपन करता हूँ, बेसिकली क्लोज एंड ओपन, यहाँ पर हमें लिखना होगा यूजर डेटा डॉट नेम, तो हमें यूजर डेटा डॉट नेम में से यूजर का नेम मिल चुका है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली बोल्ड में हमने ये प्रोवाइड कर दिया है, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा को भी मैं बोल्ड में लिख देता हूँ, एंड थोड़ा स्पेस देंगे हम, यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक योर अकाउंट इज क्रिएटेड, या कुछ भी समथिंग मैसेज डाल सकते हो, मैं यही मैसेज डाल रहा हूँ, विलो इज योर डिटेल्स, ये मैंने मैसेज जो है यूजर के लिए डाला है जो कि मेल में उसे मिलेगा। पहला पैराग्राफ हो गया, देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं टेबल यूज कर लेते हैं, जैसे कि थोड़ा टेबुलर फॉर्म में जो है डेटा शो हो यूजर को, आप चाहो तो डायरेक्ट पी में भेज सकते हो, जस्ट मैं आपको आइडिया भी बता रहा हूँ टेबल आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए TR में क्या बेसिकली टेबल जो होगी बेसिकली आपको एक बॉर्डर भी शो कराएगी, तो इसलिए हम उसका स्टाइल भी सेट कर देते हैं यहीं पर, इसका जो बॉर्डर स्टाइल है ना वो हम नन कर देते हैं, तो बॉर्डर स्टाइल नन, इससे क्या होगा बॉर्डर शो नहीं होगा उधर जब मेल जाएगी जब, तो TR
टीआर के अंदर जो पहली रो होगी, पहली रो में हम क्या करते हैं, यूजर को एक हेडिंग में अपना उसका बोलते हैं कि ये आपका नेम है, लाइक टीएच टाइटल हेडिंग एंड टाइटल हेड जैसे आप बोल सकते हो, लाइक नेम ये मैंने इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। और फिर आपका आ जाता है टीडी, टीडी में आप क्या करते हो यहाँ पर उसका नेम प्रोवाइड कर देते हो। टिल्डा को हम यूज करेंगे, टिल्डा डिस्प्ले क्लोज एंड स्टार्ट, तो यूजर डेटा डॉट नेम। तो मैं जस्ट ये टी आर को दो बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, पहले में आ जाएगा नेम तो दूसरे में आ जाएगा आपका ईमेल, तो ईमेल यूजर डेटा डॉट ईमेल एंड पासवर्ड आपका आएगा ये पासवर्ड। तो पासवर्ड हमें ये देख सकते हो, मैं कंसोल डॉट लॉग करा रहा था पासवर्ड, तो जस्ट मैं यहाँ से जो है ये पासवर्ड सेंड कर सकता हूँ। ये नॉर्मल पासवर्ड है, हैश्ड पासवर्ड नहीं है, हैश्ड पासवर्ड तो ये वाला हैश्ड पासवर्ड था, तो हमने नॉर्मल पासवर्ड, जस्ट मैं इसको लाइन को कमेंट कर देता हूँ फिलहाल में, तो मैं सो ही करा लेता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या पासवर्ड था और क्या पासवर्ड मेल पर गया। तो ये हमारा बेसिकली कंटेंट है और इसको हम सेंड करेंगे यूजर की मेल पर। तो यहाँ पर एक और मैं मैसेज डाल देता हूँ, लाइक टेबल के बाद में समथिंग जो भी आप मैसेज डालना चाहो आप डाल सकते हो अपनी तरह की तरफ से। मैं अभी यहाँ पर डाल देता हूँ लाइक नाउ यू कैन लॉग इन योर अकाउंट लाइक इन आवर एप्लीकेशन या समथिंग जो भी आपको लगता है सही, एंड थैंक्स डॉट डॉट। तो यहाँ पर आप बोल्ड वगैरह या जो भी आप न्यू लाइन देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है, सबसे पहला ईमेल सब्जेक्ट एंड आपका कंटेंट, तो ये आपका ईमेल सेंड हो जाएगा अगर हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अगर मेल सेंड होगा तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा मेल सेंड हुआ भी या नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है देख सकते हो यहाँ पर मेरा ऑब्वियसली ऑलरेडी मेल अकाउंट ओपन है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारी जो ओल्ड एपीआई थी वो थी हमारी जो कि ऑब्वियसली क्रिएट यूजर वाली जिसमें हम ऑब्वियसली वर्क कर रहे थे। तो अब हमें करना क्या है, इसको टेस्ट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं सेंड करूँ तो शायद अभी टोकन शायद एक्सपायर हो चुका है, हाँ वैलिड टोकन हो चुका है। लॉग इन में चाहता हूँ मैं, लॉगिन में मैं यहाँ पर अभी इसलिए हमारे क्रिएट यूजर जो है कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो फिलहाल में अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल में हम एडमिन से ही लॉगिन कर लेते हैं चेक करने के लिए, किसी से भी चेक कर लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल में मैं एडमिन का इसलिए यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से जो है अपना टोकन क्रिएट कर रहा हूँ, तो टोकन मैंने यहाँ से लिया कॉपी किया, क्रिएट यूजर में गए, मैं वैलिड ईमेल यहाँ पर डालूंगा, पहले जैसे ईमेल नहीं चलेगी उल्टी सीधी। तो यहाँ पर मैंने वियरर टोकन अपना प्रोवाइड किया एंड बॉडी में आते हैं हम। बॉडी में लाइक मैंने यहाँ पे लिखा लाइक नॉर्मल यूजर हम रखेंगे इसको, संदीप नेम है इसका एंड संदीप डेवलपर कॉन्टैक्ट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मिल जाएगी। रोल मैंने 0 रख दिया, अगर नहीं भी रखूल पास करोगे तो ये ऑलरेडी 0 सेंड कर देगा। तो मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या मिल जाती है या नहीं। तो यहाँ से देख सकते हो आपको पासवर्ड देखने को मिल रहा है, एम सी मेल हैज बिन सेंट का भी मैसेज आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे को मी मिल रहा है, मी मीन्स मेरे को इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये ऑब्वियसली मेरा ही ऑब्वियसली एस एम टी पी अकाउंट था और मेरी मेल पर गया है। तो यहाँ पर इसने बोला है हाई संदीप योर अकाउंट इज क्रिएटेड, बिलो इज योर डिटेल्स, नेम इज संदीप, ई मेल इज संदीप डेवलपर कॉन्टैक्ट एंड पासवर्ड भी आप देख पा रहे हो एम सी वी एम ओ ई जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिला है एम सी वी एम ओ ई। Now you can log in your account in our application and thanks. तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि किस तरीके से हमारी मेल जा रही है एंड प्रॉपर वर्क भी कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।